नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए रेलवे अपडेट ब्लॉग में। मेरा नाम है अजिता आनंद और आप मुझे देख रहे हैं योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से। अगर आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जो कि 4 फरवरी को खुलना है, अगर आप उसकी डिटेल्ड अपडेट चाहते हैं और उसके लिए आप यहाँ तक आए हैं तो रुकिए आराम से, क्योंकि आप बहुत ही सही जगह पर आए हैं। मैं इस वीडियो में अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि आपको जो हर एक अपडेट है वो पता चले। यकीन मानिए, अगले 20 मिनट में आपके 20 मिनट को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। 20 मिनट में आपको इस रेलवे स्टेशन की जो पूरी अपडेट वीडियो है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 5 तक में कितना काम हुआ वो सब दिखाऊंगा। बस एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए, बातें हो गई बहुत और मैं भी आपको दिखाता हूँ स्टेशन। देख सकते हैं कि एक वीक पहले जो ओवरब्रिज की पुताई जो नहीं हुई थी और अभी इसे पेंट कर दिया गया है, और आगे दिखाते हैं आपको। इसके अंदर से ही होके रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन जो गुजरे, जो हमारी ट्रेन है वो गुजरेगी। ये लगी है टाटा हिताची। हेलो भाई, देखिए ये रहा, ये तो यहाँ पर इसे ये बना दिया गया है स्टॉप, यानी उधर से जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से जो गाड़ी आएगी, ये फ़िलहाल अभी सिंगल लाइन बनाया जा रहा है इसे। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि रेलवे स्टेशन जो आज चालू होगा 4 फरवरी को, वो यहाँ से कर्णप्रयाग तक होगा। नहीं मेरे दोस्त, आगे जो पिलर्स का काम है आप देख सकते हैं वहाँ उस पॉइंट से, वो सारे पिलर्स वो सब कर्णप्रयाग वाली रूट के लिए है, जो जिसमें अभी वक्त लगेगा। फिलहाल जो 4 फरवरी को जो स्टेशन चालू करने का टाइम है वो ये जो स्टेशन देख रहे हैं आप, हमारा जो योग नगरी ऋषिकेश, केवल इसकी उद्घाटन है ना कि इस प्रोजेक्ट की। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि इस पॉइंट के बाद आगे पटरी भी नहीं बनाया जा रहा, अभी यहाँ पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि आज है 2 फरवरी और बस मोदी जी आने वाले हैं, एक दिन और काम बाकी, तो सभी लोग स्टेशन की तरफ लगे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि काम वहाँ बहुत अच्छे तेज़ी से चल रहा होगा। चलिए आज देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक लगी हुई है, इसका नाम क्या है बताइए। वैसे ये नॉर्दर्न रेलवे की गाड़ी है, BRM 115, ट्रैक के लिए यूज़ करते होंगे। अगर आपको नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो गाइज, आप इस तरफ से देख सकते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो हम उस साइड से आए थे, और वो जो पूरी है वॉशिंग लाइन है, वॉशिंग पिट लाइंस, और उसका काम बिल्कुल उस जगह पर ही है जहां हम छोड़ कर गए थे। और यहां का भी काम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि हालाँकि यहाँ पर किसी काम की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। सिग्नल उस दिन वर्क कर रहा था लेकिन अभी उसमें लाइट्स नहीं जल रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हम खड़े हैं। अब देखिए सामने स्टेशन है और 2 पानी की टंकियां लगाई गई हैं, एक इस तरफ और एक वहाँ बनाई जा रही है। सो गाइस, आपसे बस एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलता है आगे आकर के वीडियोज़ बनाने का। जो पिछली वीडियो हम बनाए थे 26 जनवरी को, उसमें लगभग 20,000 लोगों से ज़्यादा ने उसे देखा और इतना सारा कमेंट किया। कुछ लोग कह रहे थे 1 फरवरी को बनाइए, 1 फरवरी को अपडेट दीजिए, तो लीजिए भाई 1 फरवरी को नहीं, मैं 2 फरवरी को आपके सामने खड़ा हूँ और बिल्कुल वहीं से लाइव ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से, जिसका नाम योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन रखा गया है। चलिए दिखाते हैं आपको। लगी हुई है निरीक्षण, जिसपे निरीक्षण कार कह सकते हैं इसको, जिसपे इंजीनियर्स बैठ करके ट्रैक का और पूरे काम का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो चल करके पूरा स्टेशन देखे। काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, तो उस पर बैठ करके पीछे लोग उनको धक्का देते रहते हैं और उससे वो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए पूरा स्टेशन, आप देखिए उस तरफ, वहाँ भी काम चल रहा है। और आप सामने देख सकते हैं हम लोग पहली बार प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। जो शानदार सा बिल्डिंग है, आप भी, आपको नहीं दिख रहा होगा बिल्कुल, बट हम अब करीब जाएंगे तो वहाँ से आपको दिखाएंगे पूरे स्टेशन का नज़ारा। ये देखिए इस तरफ टाइल्स लगाने का काम चल रहा है और बिल्डिंग कितना खूबसूरत लग रहा है। पिछली बार हम लोग उस प्लेटफॉर्म से कर रहे थे तो इस वजह से ये शेड बीच में आ जाए, तो मैं आपको पूरा बिल्डिंग नहीं दिखा पा रहा था, लेकिन इस बार मैं आपको पूरा जो बिल्डिंग का नज़ारा है वो दिखाऊंगा। और ये देखिए इस पे जो है सो कुछ यहाँ पे ट्रैक्स नहीं बिछाई जाएंगी, इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग और जो पानी की जो पाइप्स हैं उसके लिए इस पे इसको छोड़ा गया। तो रेलवे स्टेशन उस तरफ और उसके बीच में ये गैप है, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पर आएंगे इस तरफ, यानी ये जो स्पेस है वो उसको ढक दिया जाएगा, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं वहाँ ढक दिया गया। वैसे हो सकता है इस पर कुछ ऊपर कवरिंग करेंगे इसको। और ये हम पहुंच रहे हैं अभी स्टेशन के मुख्य द्वार पे,
तो ये देखिए प्लेटफॉर्म इस तरफ का जो शेड है ये पूरा कंप्लीट है 100%। बस उसकी छतरी पूरी, बस ये जो नीचे का जो बस हल्का टचअप देना बाकी है। आप देखिए पीछे, इनफैक्ट इस पर जो मर्करी और लाइटिंग भी लगा दी गई हैं, बस पॉइंट्स लगा दिए गए हैं, इसमें बल्ब्स लगाने बाकी थे, अभी लगाएंगे तो हो सकता है काम की वजह से कुछ फूट फट जाए, तो अभी वायरिंग वगैरह आप देखिए सब हो रखा है। ये रहा स्टेशन का मुख्य द्वार, तो ये मेन एंट्रेंस पॉइंट है और वहाँ से होते हुए ये बहुत ही शानदार लग रहा है। और आप सोच करके देखिए कितना प्यारा लगेगा ये बन जाने के बाद ये पूरा स्टेशन। और पहली बार हम लोग इस पॉइंट पर आए हैं, और पीछे देखिए हमारे भोलेनाथ खड़े हैं विराजमान, जैसे ऋषिकेश में है, और ये महादेव की नगरी है ऋषिकेश, तो स्टार्टिंग एंट्रेंस जो होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे भोलेनाथ बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ रहेगा। और आपको दिखाते हैं कि जो ये वायरिंग का काम है वो चढ़ाया जा रहा है, तो ये जो वायर है आप देखेंगे इसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है, और वहाँ लगी हुई है क्रेन, तो अभी हम चलते हैं उसके पास, देखते हैं कि वैसे कैसे काम किया जा रहा है, कैसे उसको उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ जानकारी लेते हैं। आप देख सकते हैं लगभग उस तरफ भी हर जगह पर जो वायरिंग के लिए उसको अभी काम चल रहा है, उस तरफ तो कम्प्लीट है लेकिन यहाँ पर वायरिंग का काम चल रहा है। देखेंगे तो जो मेन मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के सामने जो तो पूरा टाइल्स लगा दिया गया है, लेकिन उसके आगे और उस तरफ भी पूरा टाइल्स लग चुका है, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे आप तो इस तरफ टाइल्स का काम होना बाकी है, यहाँ पे भी टाइल्स नहीं लगाया गया है, और इस पॉइंट के बाद वहाँ से फिर टाइल्स का काम हो रखा है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिफिकेशन काम है वो कैसे हो रहा है, कैसे चढ़ाया जा रहा है। और जो स्टेशन की पहली बोर्ड है वो मुझे नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं हम वहाँ चलेंगे, और जो पहली बोर्ड है पीछे कोई बोर्ड नहीं लगाया गया था, साइन बोर्ड ऋषिकेश का, न्यू ऋषिकेश का, तो अभी हम चलते हैं वहाँ देखते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ से मुझे दिख रहा है योग नगरी ऋषिकेश। अच्छा, इसके इस चीज़ में एक और कुछ बदलाव किया गया है, उत्तराखंड सरकार ने एक निर्णय लिया है कि यहाँ के जो रेलवे स्टेशन हैं उसमें संस्कृत को ये प्रेफरेंस देंगे, तो सबसे ऊपर संस्कृत लिखा जाएगा, और जैसा कि मुझे दिख भी रहा है कि सबसे ऊपर इन्होंने संस्कृत लिखा है, उसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश। तो ये एक स्टेप है सरकार का कि इसे जो संस्कृत हमारी भाषा है उसको तवज्जो देने का, तो ये अच्छा स्टेप है, बाकी बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो हिंदी है वो उसकी उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, और हम इंग्लिश में इतना डूबते जा रहे हैं कि हम अपनी जो अस्तित्व है उसको भूल रहे हैं। ये देखिए ये वॉशरूम्स बनाया जा रहा है, टॉयलेट, अभी मैं आपको यहाँ से जा करके पूरे स्टेशन का पीछे नज़ारा दूंगा। अभी तक हमें ये पूरी जो लाइन है वो स्टेशन का प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है, अगर आप देहरादून रेलवे स्टेशन से कंपेयर करेंगे तो ये वाकई बहुत बड़ा स्टेशन है उसके मुकाबले, वहाँ की प्लेटफॉर्म की साइज़ बहुत छोटी है। अपडेट चाहिए तो आप देख सकते हैं वहाँ मैंने, दिस इज़ अमेजिंग, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर गुलजार आने वाला है और उसका उन्होंने हॉर्न दे दिया है, आप देख सकते हैं सामने लगा है ये बोर्ड योग नगरी ऋषिकेश, पहले संस्कृत फिर हिंदी उसके बाद इंग्लिश, यानी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 385 मीटर। और ये स्टेशन, और ये देखिए यहाँ पे काम चल रहा है ओवरहेड वायरिंग का, और हम लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म के एंड पे पहुँच चुके हैं। ओहो क्या बात है, यहाँ के लोगों को ऐसे आवाज़ सुनने का बेसब्री से है इंतज़ार, बस कुछ दिन और, 4 को उद्घाटन के बाद यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी चलना। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये जो लाइन अभी इस तरफ आ रही है इसे यहीं तक थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, अभी मैंने बात किया था वो बताया कि ये जो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि उसके बाद मुख्य द्वार आ जाएगा, वहाँ पर उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर इमरजेंसी वैन्स के लिए लगा सकते हैं जो किस तरह की मेडिकल वैन होती है या फिर इंजन्स के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पोल पे आप देख सकते हैं अभी वायरिंग का काम नहीं हुआ है और इस तरफ अभी चल रहा है।
पूरे जंक्शन बॉक्स वहाँ दिख रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। तो यहाँ से पूरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा ये देखिए कितना खूबसूरत बन जाने के बाद, वाकई बहुत ही शानदार होगा। क्योंकि अभी धूप जो है वो थोड़ी उल्टी तरफ आ रही है, इस वजह से जो आपको बादल है वो नहीं दिख पा रहा, वो हल्का फॉग भी है। तो लेकिन जब धूप छटेगा तो जो यहाँ से नज़ारा होगा ना स्टेशन से, वो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही शानदार। और सुबह में उठ करके अगर आप आएंगे जो योग नगरी ऋषिकेश है, तो आपको वो फील आएगा कि हाँ आप एक पवित्र जगह पर आए हैं। रुकिए मैं कुछ फ़ोटोज ले लेता हूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँगा इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो नॉर्मली जब आप देखते हैं किसी रेलवे स्टेशन पे, उसका जो स्टैंड होता है वो इस तरीके का नहीं होता है, ये बिल्कुल डेकोरेटिव टाइप लग रहा है। आप ऊपर देखिए फ्लावर्स बने हैं दोनों कोने पे, और नीचे भी जो इसकी इसकी सुंदरता के लिए जो स्टैंड लगाया गया है वो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है। जो रेलवे यूज़ करता है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि रेलवे सीमेंटेड मोस्टली सब जगह पर सीमेंटेड यूज़ होता है, ये जो डेकोरेटिव टाइप लग रहा है। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि रेलवे जो इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है और डेकोरेशन पर भी काम कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है स्टेशन पर। बाकी बहुत बहुत ही शानदार। आप देखिए प्लेटफॉर्म नंबर इस तरफ भी एक टॉयलेट बनाया जा रहा है, वहाँ भी टॉयलेट बनाया जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक प्लेटफॉर्म के बाद पूरी वॉशिंग पिट लाइन और यार्ड शुरू हो जाती है। जो पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया था तो उस तरफ कुछ भी काम नहीं हुआ एक्चुअली, मैं देख करके आया हूँ। तो जो काम वहाँ पर हो रखा था वही हुआ है। अगर आपको उस तरफ का देखना है वीडियो, तो आप जा करके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना काम हुआ है। हालाँकि मुश्किल लग रहा है कि अगर ये पूरा स्टेशन चालू किया जाए तो 4 फरवरी को, यानी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको उद्घाटन करेंगे, तो पूर्ण रूप से यानी 100% ये कंप्लीट इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, सामने का भी छतरी उतरी भी बहुत काम बाकी है। तो आज 2 फरवरी है और आपको लगता है कि 4 फरवरी तक काम हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि इस पर अधूरा है, थोड़ा टाइम और लगेगा। और दूसरी जो पोल आएगी रेलवे स्टेशन की, आप देख रहे हैं वो इस पॉइंट पर आएगी यहाँ, और वो सारी लाइटिंग है। आपको ये जो खम्बा दिख रहा है दोनों तरफ, ये पानी की पाइप के लिए है। अगर आप आगे से देख पा रहे हैं वहाँ पे, तो ऊपर चढ़ा दिया गया है, लेकिन इस तरफ अभी बाकी है इस पर चढ़ाना। पाइप नीचे रखे हुए थे तो उसको चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि 4 फरवरी से पहले इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा? क्योंकि काम सिर्फ आज होना है और आज पूरा दिन लगभग निकल चुका है, कल का टाइम इनके पास है 3 फरवरी का, क्योंकि 4 को तो मोदी जी आ रहे हैं, तो मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए भाई बहुत सारा काम बाकी है, और स्टेशन पे जो लाइट वो सब है, जो बोर्ड होगी साइन बोर्ड वो सब तो लगा दी गई है, मगर इस तरफ का काम पूरा टाइल्स का पूरा कंप्लीट है, आगे बढ़ेंगे तो नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि बस जितना हो सके मैक्सिमम, ये भी कोशिश करें कि मैक्स टू मैक्स ये काम कंप्लीट कर दिया जाए। अभी चलिए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ नज़ारा स्टेशन का कैसा लग रहा है। पेयजल की सुविधा होती है पानी पीने के लिए, इस पर भी अभी सिर्फ पॉइंट्स दिया गया है, नल लगाना बाकी है। और क्योंकि ये मुख्य द्वार के पास में है, तो यहाँ पर इस पर काम पीछे वाले से ज़्यादा हो रखा है, और आप देखेंगे आगे टाइल्स को जोड़ने का काम चल रहा है। बस एक छोटा सा आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप बताइए कि ये जो न्यू ऋषिकेश यानी योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, उसका जो मुख्य द्वार जो मेन बिल्डिंग है, उसका आर्किटेक्चर किस चीज़ पर आधारित है? मैं कमेंट करके बता दूंगा 2 दिन बाद, लेकिन तब तक आप बताइए कि ये जो मेन बिल्डिंग है वो किस चीज़ पर आधारित है, मतलब कहाँ से इस आर्किटेक्चर को लिया गया है। तभी हम चल रहे हैं सामने से, आपको दिखाते हैं पूरा बिल्डिंग पूरा नज़ारा कि बाहर कितना काम हो रहा है और बाहर एक्चुअली में क्या काम हो रहा है। स्टेशन तो आपने देख लिया, पिछले वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, वो भी लेटेस्ट वीडियो ही है, क्योंकि सिर्फ 26 तारीख को हम किए थे और एक वीक पहले की वीडियो है। तो एक वीक में प्लेटफॉर्म नंबर जो उस तरफ की प्लेटफॉर्म थी उसमें कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हुआ। पहली बार हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आए हैं, और यहाँ से आपको दिखाते हैं जो शिव जी की स्टैचू है वहाँ पे भी रंगाई पुताई काम चल रहा है। और यहाँ पूरा जो इलाका है वो अभी लोग हर तरफ लगे हुए हैं जल्द से जल्द काम करने में। आप देखिए सिर्फ 2 दिन में इसे कम्प्लीट करना तो असंभव है, क्योंकि जो जितना काम बाकी है वो तो मुश्किल ही है। लेकिन हाँ, एक स्टेज खोल दिया जाएगा, हालांकि अभी यहाँ से कोई परिचालन शुरू नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं कोई परिचालन शुरू नहीं होगा यहाँ पे, बस इसको ऑफिशियली इसको खोल दिया जाएगा, और रेलवे जो आनी शुरू होगी वो अभी उसमें थोड़ा वक्त और लगेगा। गाइस बस एक चीज़ मैं आप लोगों से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई ऐसी जानकारी जो मैं नहीं दे पाया हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, उससे हमारी जो कम्युनिटी है वो एक हेल्दी कम्युनिटी बनती है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज करने लगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मैं जो बात करूँगा हो सकता है वो राजनीतिक लगे, लेकिन शुरुआत आपने करी थी इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों से जो भी दर्शक हैं कि कुछ लोगों ने कोई पार्टी को गाली दे रहे हैं कि वो काम नहीं करते, वो काम नहीं करते। देखिए आप अपना सजेशन लिखिए, आप एक इंडिविजुअल है, हो सकता है आप किसी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम हो रहा है, काम होना चाहिए, मतलब इससे होना चाहिए, क्योंकि देश हमसे बनता है, बीजेपी और कांग्रेस से नहीं। तो आप अपना जो हेल्दी कन्वर्सेशन है वो जारी रखिए चैनल पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को बस गाली मत दीजिए। हाँ ठीक है, आप ये बताइए कि हाँ कांग्रेस ने कौन सा काम नहीं किया या बीजेपी ने कौन सा काम नहीं किया। फिलहाल ये प्रोजेक्ट जो है रेल को जोड़ने का प्रोजेक्ट, ये काम है नरेंद्र मोदी जी के अंदर हो रहा है, उनका जो सपना है कि हिमालय पे रेल को चढ़ाना। और मैं सच बताऊँ आपको, भारत में से के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, जिन्होंने हिमालय फतह किया, लेकिन असल मायने में भारत अब हिमालय को फतह करना शुरू कर रहा है, जब हम हिमालय के ऊपर चढ़ रहे हैं। कर्णप्रयाग तक जब ये रेलवे लाइन पहुंच जाएगी तो सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार काम होगा, क्योंकि तब हम सही मायने में हिमालय को फतह करना शुरू करेंगे। देखिए मेरा कहने का ये मतलब था कि प्लीज़ आप जो भी जानकारी जानते हैं या फिर जो भी आपको कुछ कन्वर्सेशन करना है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को अब्यूज़ करने लगे कि गाली देने लगे कि मैं इस पार्टी को समर्थन करता हूँ, आप उस पार्टी को समर्थन करते हैं, इससे इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू अगर आपको कोई जानकारी मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ होगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि आपके थ्रू अगर मुझे कोई जानकारी मिल जाए जो शायद मैं अगले वीडियो में बता पाऊँ, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं सीखता हूँ कमेंट से आप लोगों से, तो प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और प्लीज़ थोड़ा राजनीतिक मसला मत बनाइए, क्योंकि ये देश की विकास का चीज़ है और देश के लिए हो रहा है, कल को आप हम हर कोई इस सुविधा को यूज़ करेंगे तो हमारे देश के लिए हो रहा है, तो देश में काम हो रहा है तो होने दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है कौन सी पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ये कोई भी अगर सच्चा प्रधानमंत्री है जो देश के लिए समर्पित है उसे ये काम करना चाहिए था, जो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, 70 साल पहले भी ये चीज़ हो सकता था क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और अब जाकर ये कंप्लीट हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, होने दीजिए, काम हो रहा है, ये बड़ी बात है। चलिए आपको बाहर से नज़ारा दिखाते हैं, स्टेशन कैसा दिख रहा है। पूरी अप्रोच रोड तो तैयार है, और स्टेशन देखिए दूर से कैसा नज़ारा लग रहा है, बहुत ही शानदार लगेगा मैं बता दूँ आपको। और ये है हमारे महादेव, और यही स्ट्रक्चर सेम आपको परमात्म निकेतन आश्रम के सामने मिलेगा जो कि वो भी ऋषिकेश में है, तो यही स्ट्रक्चर आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। और नंदन देखिए कितना आकर्षक लग रहे हैं, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हर हर महादेव, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि आपको ये बिल्डिंग और ये आर्किटेक्चर कितना कैसा लग रहा है। ये देखिए मैं करीब से दिखाता हूँ आपको, बहुत ही शानदार, तो पूरा जो आर्किटेक्चर है विशाल और शानदार, यही दो शब्द हैं अभी फिलहाल, विशाल और शानदार। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे लगता है 4 को ही उद्घाटन कर देंगे, लेकिन उसके बाद रेल की जो अभी फिलहाल कोई डेडलाइन नहीं आई है कि कब रेलवे चालू की जाएगी, लेकिन हाँ बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द हम इन सेवाओं का जो पूर्ण रूप से जो इसका हम लुत्फ़ उठा पाएंगे वो बहुत जल्द, वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये रहा रेलवे स्टेशन का बाहर से नज़ारा, और पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको रेलवे स्टेशन को बाहर से दिखा रहा हूँ। देखिए रेलवे स्टेशन का बाहर से नज़ारा पूरा इस तरफ, ये पूरा जो इलाका है ये पूरा अप्रोच रोड होगा, तो सही मायने में इसका जो विकास है वो बहुत ही विशाल है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्यूशर हो सकता है मेरे हिसाब से, ये तो इसकी भी सुविधा दी गई है हर पॉइंट पर। देखिए आगे ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये टाइल्स देखिए अभी लगी हैं, अभी यहाँ रखी हैं, जो शायद अभी आज या कल में लगाई जाएंगी, और आगे आप देख रहे हैं वहाँ पे टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। तो ये पूरा इलाका वहाँ हमारे महादेव विराजमान, और यहाँ से जो आपको स्टेशन दिख रहा है बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको यहीं से उसकी पूर्ति की जा रही है। तो ये है स्टेशन का बाहर से नज़ारा, आप बताइए कि अगर कुछ चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, ऐसे लिखते रहिए, और उम्मीद करेंगे कि आपको जो जानकारी मैं दे पाया। हर जगह सिर्फ मशीन्स रखी हुई है, इस वजह से थोड़ा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, थोड़ा हम
ध्यान से चलना पड़ता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपको क्षति हो जाए या फिर मशीन को क्षति हो जाए, क्योंकि हम इस मामले में थोड़े इलिटरेट है कि किस चीज़ के लिए कौन सी मशीन है रखी हुई है, और वो काफ़ी कॉस्टली होती है। और रेल की प्रॉपर्टी यानी हमारी प्रॉपर्टी, तो हमारे अपनी प्रॉपर्टी को बचा कर रखना चाहिए। बस यही मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोगों से कि ये पूरे देश के लिए एक गौरव का प्रतीक बनने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, न केवल ये बल्कि इसके साथ जो कर्णप्रयाग का जो दूरी है वो बाकी बहुत ही बहुत बड़े मायने में कम होगी। वो कैसे, अभी से पहले अगर आप जाएंगे कर्णप्रयाग यहाँ से ऋषिकेश से बाय बस, ये देखिए, तो बाय बस अगर आप जाते हैं तो आपको करीब करीब 8 से 9 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन जो ऋषिकेश से जो कर्णप्रयाग की रेल लाइन बनने के बाद वो जो समय है वो घट के 2.5 घंटे का हो जाएगा। तो वाकई ये बहुत ही बड़ा बदलाव लाने वाला है हम सभी लोगों के लिए। तो घूम करके हम वापस से, और ये देखिए जो एक्सेलेटर्स का काम है वो जॉनसन का लगाया जा रहा है, तो A1 चीज़ लगाई जा रही है, और मुझे कहीं भी फुट ओवर ब्रिज नहीं दिख रहा है फिलहाल। आप देख सकते हैं ध्यान से, फुट ओवर ब्रिज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, और वो कहाँ बनाया जाएगा उसकी भी, हालांकि यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज, माफ़ करिएगा, यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड पास है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था और मैं खुद ही भूल गया। इस बार मैं सोचने लगा, आप जो देख रहे हैं वो सामने, मैं दिखाता जूम करके, चलिए उसको करीब से दिखा दें, वो पूरा अंडरग्राउंड है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आपको फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्लाइडिंग्स होंगे नीचे, उससे सीधे आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म और वहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि अंडरग्राउंड सबवे होगा जो प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने का काम करेगा वही। सो गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जिस स्टेशन का हर एक कोना है वो दिखा पाऊँ, और बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतने सारे लोग देखते हैं पिछली वीडियो को, लगभग 20,000 लोगों ने देखा, उससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसको लगभग 30,000 लोगों ने देखा। तो जब आप आ ही जाते हैं चैनल पे तो एक छोटा सा मदद कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल वाला बटन दबाइए, उससे बहुत हिम्मत मिलती है। और नॉर्थ ईस्ट में भी रेलवे को पहाड़ों को जोड़ने का काम चल रहा है, तो बस मौका दीजिए कि मैं वहाँ जाकर के भी वीडियो बनाऊँ, और उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं हिम्मत मुझे मिलेगी और मैं जाऊँगा उसे भी दिखाऊँगा आप लोगों को। आप चाहेंगे तो कोई भी अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप लिखिए। थोड़ा सा ऋषिकेश यहाँ रेलवे स्टेशन से फ्री होने के बाद मैं अगली प्रोजेक्ट पर भी काम करूँगा, जहाँ भी आपको चाहिए तो उस पर बताइए आप कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बनाऊँ। ये पूरा स्टेशन जो आपको दिख रहा है पीछे, ये रहा नज़ारा स्टेशन का, अच्छा लग रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए इस पर जो है गिट्टी भरने का काम चल रहा है, और गिट्टी भरी जा रही है, यहाँ तक हो चुका है बिल्कुल जहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है। ये देखिए सो गाइस, बढ़ रहे हैं हम अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि होगा दोई वाला रेलवे स्टेशन का अपडेट। पिछले वीक मैंने उस पर बनाया था, जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था तब मैंने दोई वाला पे बनाया था, तो फिर से मैं बना रहा हूँ क्योंकि उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आप बस अपना प्यार इस तरीके से ही बनाए रखिए और कमेंट करके बताते रहिए, मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा। बस एक चीज़ आपको करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और देहरादून की अपडेट वीडियोस भी जाके देखिए, उसमें भी मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, तो मैं अभी बहुत खुश हूँ। और मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स भी देखिए, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।